अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द चैनल फर्स्ट फीस्ट। आज की वीडियो शुरू करते हैं। उबले हुए आलू को मैश कर लें। कॉर्नफ्लावर जाएगा इसमें, थोड़ा थोड़ा करके आप डालें। डो हमने जो बनानी है वो काफ़ी सख्त और अच्छी सी बन जाए। काली मिर्च डाली है मैंने और नमक, बस यही चीज़ें हमने डाल के इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। अच्छी सी डो तैयार हो गई है, अब इसकी फिलिंग बना लेते हैं। एक अंडा लिया है मैंने बॉयल, एक आलू शामिल करेंगे, टमाटर, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च थोड़ी, मायोनीज शामिल करेंगे, थोड़ा चिली सॉस, लेमन जूस, नमक, काली मिर्च, और मोटी कुटी लाल मिर्च। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इफ्तारी में आज देर हो रही है, काम करते हुए मुझे थोड़ा देर हो गई। इफ्तारी में बहुत थोड़ा टाइम रहता है, तो जल्दी जल्दी ये मैं बना रही हूँ। वैसे इसको, जो डो मैंने तैयार की है, इसको हमें फ्रिज में आधे से पौना घंटा के लिए रख लेना चाहिए थी, तो फिर ये नगेट्स जो हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं। ये फिलिंग जो होती है फिर बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अभी मुझे बहुत जल्दी है, तो मैं जल्दी जल्दी में जो शेप बना सकती हूँ बना देती हूँ। अगर इसे हमने कुछ देर के लिए फ्रिज में रखा होता तो ये बहुत अच्छे से जो है ना वो मोल्ड होता है और बहुत अच्छे से जो है ना वो बन जाता है। बहुत जल्दी में मैंने आपको एक दो शेप बना के दिखा देती हूँ। आप इसे जिस भी शेप में चाहें बना सकते हैं। आप इसे रोल शेप में बनाना चाहें, रोल शेप में बना सकते हैं। ये फिलिंग बहुत मज़े की बनती है और इसका ये जो परत है, जो डो है, ये भी बहुत मज़े की होती है। इफ्तारी में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे अब ऐसे ही काट के जल्दी में फ्राई कर देने लगी हूँ, क्योंकि अजान का टाइम होने वाला है और बहुत देर हो चुकी है। किसी वक्त तसल्ली से भी आपको ये बना के दिखाएंगे। अंडा लगाएंगे इसके ऊपर और बहुत थोड़े से घी में हम इसे, थोड़े से ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। आप अगर बेक करना चाहें तो इस वक्त इसको बेक भी किया जा सकता है। बेक से इसका जायका और अच्छा हो जाता है। बेकिंग करते हुए ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल दें, ये बहुत मज़े की फीलिंग होती है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तसल्ली से बनाएं, बताइएगा ज़रूर के कैसे बने हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक